Okay, now do the question. If area of a circle and a square are equal, area of circle and square are equal, find the ratio of perimeter. Ratio of perimeter. हाँ कैसे करेंगे बताना. एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर दोनों इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर. सपोज करो ये है मेरा सर्कल और ये स्क्वायर, इसका रेडियस आर और इसका साइड है ए, ऑल साइड विल बी ए. तो गिवन क्या है, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है कंडीशन. ठीक है यस सर. या समझ आ गया इतना. यस सर. अब इसको कुछ मत करना, आप सीधा फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस का पेरीमीटर तो क्या मतलब है, 2 पाई आर. तो 2 पाई आर आर स्क्वायर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा, 4a. ये हमें निकालना है. तो मैं कैसे निकालू सर? ए हम इसमें ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो हमें एरिया इक्वल दिया उससे, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए. हाँ ऐसे यहाँ से ए निकाल दो तो ये हो गया रूट ऑफ पाई, और आर दो बार है तो एक बार बाहर आ गया, ऐसे लिख सकते हैं. यस तो अब इसको 2 पाई आर अपॉन में 4 into a के बदले रूट ऑफ पाई. तो सर आर अंडर रूट पाई इज इक्वल्स टू ए नहीं होगा, आर तो दो बार है ना, तो आर तो एक एक बार रह जाएगा रूट करेंगे तो. देखो ए इक्वल टू ऐसे आएगा रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर, ऐसे आएगा. यस सर. तो पाई तो सिंगल टाइम है तो पाई में तो रूट रह जाएगा, आर रूट से बाहर आ जाएगा. हाँ सर वही कह रही थी मैं, आर अंडर रूट. हाँ तो यही तो लिखा मैंने, आर अंडर रूट. हाँ जी सर. तो इधर हो गया ए के बदले आर. ठीक है ये, इसमें कोई डाउट है? 2 पाई आर और अगर ए के बदले रूट पाई इंटू आर डाल दिया. नो सर नो डाउट. तो आर से आर कैंसिल. यस सर. और 2 2 जा 4. यस सर. और रूट पाई ऊपर रह जाएगा रूट पाई, और नीचे पाई रूट पाई कैंसिल, रूट पाई अपॉन 2, ये आंसर आ गया. ठीक है ना, पाई मिस होता है रूट पाई इंटू रूट पाई, तो एक रूट पाई कैंसिल हो जाएगा. समझ आया या इसको एक्सप्लेन करूं? यस सर. लास्ट वाले स्टेप को एक्सप्लेन कर दो बस, जो पाई पाई कैंसिल हुआ. पाई को ऐसे लिख सकते हैं रूट पाई इनटू रूट पाई दो बार. यस सर. और नीचे 2 रूट पाई लिखा हुआ है. यस कैंसिल. हाँ जी सर. तो ये हो गया रूट पाई बाय 2. ओके सर. तो इस तरह का कोई भी इसका कंपेयर करके निकालना हो तो निकाल लेना. अब क्वेश्चन रूट पाई इनटू 2 ना क्या होगा, रेशियो निकालनी है तो वो रूट पाई इक्वल्स टू इस टू 2 ना. हाँ वो एक ही बात है, इस टू लिखो या अपॉन में वो एक ही बात है, ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिखो. ओके सर. नेक्स्ट, अ रोड रन्स अराउंड ए सर्कुलर
ये इस टाइप का सर्कुलर टाइप का ये रोड दे रखा है, ये वाला ये रोड है, ये पूरा का पूरा ये रोड है सर्कुलर। और आउटर एंड इनर बाउंड्रीज आर 500 मीटर एंड 422 मीटर। ये जो आउटर बाउंड्री सपोज करो मैं आउटर बाउंड्री सर्कमफेरेंस सर मतलब ये आउटर बाहर वाला जो सर्कमफेरेंस है बड़ा वाला आउटर आउटर सी यस सर ओके ये दे रखा है 500 मीटर और जो छोटा वाला है ये सर्कमफेरेंस इनर सी दिस इज 412 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब रोड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोड कैसे निकाल सर पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 412 2 पाई कैपिटल आर इसको स्मॉल आर ले लेते हैं इसको कैपिटल आर राइट यस सर। तो एक तो दे रखा है 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू 412 और दूसरा 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू 500 ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू निकालो सर। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 206 बाय पाई 206 पाई 206 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय पाई और कैपिटल आर कैपिटल सॉरी एक सेकंड 225 बाय पाई या 250 बाय पाई यस सर 250 बाय पाई आ गया ठीक है यस सर। यह यहां तक निकल गया यस सर। ओके अब मुझे निकालना क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हाँ एरिया ऑफ द रोड क्या होगा सर दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रोड या इससे अच्छा मैं एक साथ से कहता हूँ एरिया ऑफ रोड इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एक ही साथ यस सर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो पाई कैपिटल आर 250 अपॉन पाई का होल स्क्वायर और स्मॉल आर 206 अपॉन पाई का होल स्क्वायर पाई बाहर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो नहीं तो ए प्लस बी ए माइनस बी या 250 अपॉन पाई प्लस 206 अपॉन पाई एंड एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी 250 अपॉन पाई माइनस 206 अपॉन पाई तो ये पाई बाहर ये दोनों ऐड हो जाएगा 456 अपॉन पाई इनटू सर हम बाहर 1 बाय पाई कॉमन नहीं ले सकते तो पाई से पाई कट हो जाएगा। 2 पाई है ना बाद में कट करेंगे क्योंकि 2 पाई है तो पाई स्क्वायर आएगा नीचे एक ही पाई कैंसिल हो एक पाई इसमें है एक पाई इसमें भी और बीच में मल्टीप्लाई हां जी सर। अब इसको माइनस कर दो ये कितना आएगा 46 46 बाय पाई सॉरी सर 44 आएगा 44 आएगा 44 बाय पाई यस सर। अब एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दो हां जी सर। तो ये बन गया 456 44 और पाई के बदले 22 बाय 7 तो मैं उल्टा कर देता हूं 7 बाय 22। अब इसको काट सर इसको हमने रिवर्स क्यों करा क्योंकि पाई नीचे है पाई के बदले में लिखूंगा 22 बाय 7 हां जी सर। हां जी अब इसको काट दो 22 2 जा
अब ये सब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होके 11,6384 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके सर, now the next question. The ratio of circumference of two circles is 2:3. Find the ratio of their areas. निकालो, इसको कैसे निकाले अपने आप ट्राई करके देखो। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, जैसे एक हो गया 2π कैपिटल आर अपॉन 2π स्मॉल आर, ये दे रखा है 2/3, ऐसे रहने देना। इसमें 2π से 2π कैंसिल, कैपिटल आर स्मॉल अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 2/3। तो सर हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2x एंड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 3x। हाँ वैसे लिख लो अगर जरूरत है तो, या इसको एक की वैल्यू निकाल लो, मर्जी है कैसे भी निकाल लो। इधर देखते हैं किसकी जरूरत है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, दैट मींस पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये निकालना है। यस सर, तो 2/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई से पाई गया, 4/9 4/3 का होल स्क्वायर आ गया, 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स टच इंटरनली इंटरनली द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। जितने सारे चैप्टर आ रहे हैं उस रेशियो से होमवर्क नहीं करते हो तो फिर वो याद नहीं रहेगा, होमवर्क करना जरूरी है। इसको मैं बार बार कहता हूँ तो थोड़ा सा होमवर्क करके भेज देते हो या फिर मिलते भी नहीं। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, बोलो कैसे करेंगे। टू सर्कल टच, इसमें एक्सटर्नली दे रखा है, सपोज करो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों की बात कर लेते हैं। इंटरनली एक्सटर्नली में क्या फर्क होगा, सृष्टि इंटरनली
सपोज करो इंटरनली है, इंटरनली के केस में ऐसे बनेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर, एक का रेडियस कैपिटल आर और दूसरे का स्मॉल आर। तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दोनों का डिफरेंस। और अगर वो एक्सटर्नली है तो उस केस में फिगर ऐसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इस केस में होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना? यस सर। तो अब दोनों का निकाल के बताओ एरिया। अब इसमें बोला है सम ऑफ देयर एरिया, मीन्स इस केस में दे रखा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये है 130, सम ऑफ देयर एरिया 130, और इधर भी वैसी पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये है 130। दो क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन। अब इसमें से निकालो वैल्यू, कैसे निकालो? ए प्लस बी, ए माइनस बी। प्लस माइनस कहाँ है इसमें कहीं? ए प्लस बी ए माइनस बी किधर से होगा? सर इसमें हम ऊपर वाले में से कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हाँ, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगी 14 प्लस आर। सम ऑफ द एरिया, अगर मैं इसको लिखूं ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130 अपॉन पाई। यस सर। दैट मींस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 130 इनटू 7 अपॉन 22, ठीक है ना? यस सर। आई थिंक इसने यहाँ क्वेश्चन में लिखने में गलती की है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा ही कर लो, ये 130 पाई होना चाहिए, तो एरिया है फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऐसे दिया रहेगा ये, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन में 130 पाई कर। सर इसमें हम वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, ये क्वालिटी इक्वेशन बनेगा, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, पाई के फॉर्म में आएगा, सो दैट पाई से पाई कैंसिल हो जाए, ठीक है ना? जैसे अगर यहाँ 130 पाई दे रखा है तो पाई से पाई कैंसिल, ओके। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी इजी, अभी बता दो। जैसे इसको हटा दो, ये पाई से पाई अगर कैंसिल कर दिया तो यहाँ क्या बना, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130। यस सर। यह समझ आ रहा है? तो बट इसमें दो पाई कैसे आए? एक पाई तो फॉर्मूले का है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, तो पाई कॉमन लेके ऐसे देखो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टू सर्कल इज 130 पाई, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 130 पाई, अब पाई से पाई कैंसिल कर दो। समझ आ रहा है सर? आपने 135 बोला था, तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया ना इधर यहाँ पे, ओके सर। ठीक है सिया, ओके सर। अब इसमें से वैल्यू निकालो, जैसे आर माइनस आर 14 है, तो अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकालू तो हो जाएगा 14 प्लस आर, 14 प्लस आर, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो कैपिटल आर के बदले, 14 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें?
सर आपने 130 की जगह 135 लेने को बोला था। तो 130 पाई यहाँ लिया, इसको काट तो दिया, ये देखो ना 130 पाई लेके पाई इसीलिए तो काट दिया। सर आपने 135 ही बोला था। नहीं मैंने 130 पाई बोला था, 130 पाई। ओके सर। अच्छा 135 नहीं बोला, 130 पाई। ओके सर। ओके ऊपर क्वेश्चन में मॉडिफाई करो, ये 130 पाई है नॉट पाई, ये पाई। ओके सर। ये है क्वेश्चन। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, 14 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 130, 14 14 जा 196 प्लस आर स्क्वायर 28r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130, इट बिकम्स 2r स्क्वायर प्लस 28r प्लस 196 माइनस 130 इक्वल टू 0। तो फर्दर सॉल्व कर दो, 2r स्क्वायर 28r को माइनस 6, 36 इक्वल टू 0, टू कॉमन आर स्क्वायर प्लस 14r प्लस 18 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर अब फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ गया, आर स्क्वायर प्लस 14r प्लस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन चेक कर लो, इक्वेशन ठीक है कि नहीं। यहाँ से 196 टू ए बी आर स्क्वायर 28r और इसको माइनस करेंगे तो 6, तो ये 6 आएगा, 66 आएगा, 66 आएगा, तो ये हो जाएगा 33। अब इसको स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व कर लो। सर ये 33 क्या आएगा, ये आर स्क्वायर प्लस 14r प्लस 33 इक्वल टू, माइनस करेंगे ना यहाँ 196 में से 130 तो 66 आएगा। ठीक है। ओके सर। ये 2 कॉमन लेंगे तो 33। अब इसको स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करो, 11 एंड प्लस 3 तो आर स्क्वायर प्लस 11r प्लस 3r प्लस 33 इक्वल टू 0, आर कॉमन आर प्लस 11, थ्री कॉमन आर प्लस 11 इक्वल टू 0। तो एक आ गया आर प्लस 3 इनटू आर प्लस 11 इक्वल टू 0। और एक बार आर माइनस 3 है, एक बार आर माइनस 11। यस सर। ये माइनस प्लस का एक बार चेक कर लो कि माइनस प्लस ही है ना। आर 14 प्लस तो अब कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो, 14 प्लस आर करके एक तो मेरे पास आ गया, स्मॉल आर अगर माइनस 3 है तो कैपिटल आर कितना आएगा, ये माइनस, वैसे प्लस आर आना चाहिए, ये माइनस पता क्यों आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने दो पार्ट कर दिया, एक्चुअली भी ये क्वेश्चन में बोला था एक्सटर्नली और हमने इसी क्वेश्चन में दो पार्ट बना दिया, इंटरनली और एक्सटर्नली, इस वजह से माइनस का प्रॉब्लम हो रहा है।
पेपर में आएगा तो कोई एक पार्ट दिया रहेगा और ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। ओके, समझ आया? या क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना वो सेट किए रहते हैं, पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो दे रखा था वो एक्सटर्नली दे रखा था, तो मैंने इसमें दोनों पार्ट कर दिया, इंटरनली एक्सटर्नली, इसलिए माइनस में आ रहा है। पर प्रोसेस वैसे ही है, अगर इंटरनली है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे, एक्सटर्नली होगा तो कैपिटल आर प्लस आर करेंगे, राइट? विषय समझ आया कि नहीं? आ गया सर। ओके, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको खुद कर लेना, ये वाला, इसमें से आर की, ऐसे ही इसमें से आर की वैल्यू निकाल, यहाँ भी 130 पाई दे रखा है, ये पाई से पाई काट देना, ऐसे पाई से पाई कट जाएगा, ये ऑलवेज जब क्वेश्चन इस तरह का होगा तो पाई से पाई कट जाएगा। और फिर यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लो, आर इक्वल टू 14 माइनस आर, वो वैल्यू पुट करके और निकालो, ठीक है? या कितना क्लियर है? यस। ओके, अब याद रखो होमवर्क ज्यादा करना है, ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, सारे चैप्टर जो पहले वाला करा रखा मैंने वो सब भी रिवाइज किया करो, पेपर एकदम पास में है, तो इतने से नहीं होगा, इतना काम कर रहे हो सफिशियंट नहीं है। चलो अब 2 मिनट रिवाइज कर लो, कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा आगे, और नो डाउट सर। ओके, वो जो कराते जाओ उसको रिवाइज करते जाओ, इस वीक में टेस्ट भी होना है। हाँ जी सर। ओके सर। ओके देन, सो क्लास ओवर, थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।